नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्क्रीन फिक्सर में। दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग A80 का आपको ब्रोकन ग्लास कैसे चेंज करें, ये मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो पूरा डिटेल से बनाया है। वीडियो आपने एंड तक देखा तो आपको A80 में कोई आपको ग्लास ब्रोकन ग्लास चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वीडियो आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। और दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है। और दोस्तों, चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम इसकी LCD आपको चेक करा रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल LCD बिल्कुल परफेक्ट है, डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऊपर का ग्लास क्रैक है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, जो पीछे का ढक्कन है उसको हटाने के लिए हम इसको 2 मिनट हीट करेंगे। 2 मिनट हीट हम इसको, हमने जो सेपरेटर का टेम्परेचर रखा है वो 110 रखा है, 110 टेम्परेचर पे हमने इसको 2 मिनट हीट किया, तो पीछे का जो बैक ग्लास है वो बड़े आराम से इसका उतर जाता है। तो पहले हम इसका बैक ग्लास उतारेंगे। देखिए जिस तरीके से बैक ग्लास हमने उतारा है, हल्का फेलकॉन डाल लेंगे और जो हार्ड पन्नी है उससे हमने बड़े आराम से इसका जो बैक ग्लास है वो उतार लेना है। और बैक ग्लास उतारने के बाद दोस्तों, नीचे जो रिंगर डब्बी है, रिंगर डब्बी आपने खोलनी है, बस बाकी और कुछ नहीं खोलना। रिंगर डब्बी खोलेंगे आप तो उसके अंदर डिस्प्ले का पत्ता है, वो आपने डिस्प्ले का पत्ता हटाना है बस। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर निकालेंगे। तो नीचे के जो स्क्रू हैं वो आपने बस खोलने हैं, ऊपर के आप ना खोलें। तो देखिए डिस्प्ले का हमने पत्ता हटा के उसको, डिस्प्ले को 2 मिनट हीट करना है। हीट करने के बाद दोस्तों, ब्लेड से मैंने एक कोने से उठाकर हल्का फेलकॉन डाला है। फेलकॉन डालने के बाद दोस्तों, जो हार्ड पन्नी है वो आपने थोड़ी सी जगह बनाकर अंदर डालनी है, हल्का हीट कर लेना है। 2 मिनट आपने हीट किया तो बड़े आराम से आपकी जो पन्नी है वो अंदर चली जाएगी। ब्लेड से आपने पहले जो साइड का ग्लू है, जो टाइट ग्लू है, वो आपने थोड़ा थोड़ा हटा लेना है, और फेलकॉन आपने ज़रूर डाल लेना है। फेलकॉन से बिल्कुल लूज़ हो जाता है और डिस्प्ले आपकी फेलकॉन से बड़े आराम से बाहर आ जाती है। तो देखिए जिस तरीके से पन्नी की जगह बनाई, पन्नी की जगह बनाने के बाद दोस्तों, बिल्कुल आपने पन्नी इसी तरीके से चलानी है, बड़े आराम से दोस्तों बाहर आ जाती है डिस्प्ले, बहुत ही आराम से आपकी 1 से 1.5 मिनट में डिस्प्ले आराम से बाहर आ जाएगी। तो देख लीजिए जिस तरीके से हमने डिस्प्ले को बाहर निकाला है, इस तरीके से आपने बड़े प्यार से निकाल लेनी है डिस्प्ले। देखिए बिल्कुल प्यार से डिस्प्ले बाहर आ जाती है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं। दोस्तों, हीट आपने रखनी है और आपको फेलकॉन का यूज़ करना है, तो बड़े आराम से आपकी डिस्प्ले बाहर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग में जो टेम्परेचर है वो भी हमने 110 रखा हुआ है, 110 टेम्परेचर पे हम इसकी कटिंग करेंगे। जो वायर हमने यूज़ की है, इसमें वायर हम देखिए 110 हमने टेम्परेचर रखा है, और जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो 0.35 mm की वायर हमने इसमें यूज़ की है। और दोस्तों देखिए, वायर आपने जो डालनी है, वायर नीचे की तरफ प्रेस करके तब वायर डालनी है, नहीं तो फिल्म में वायर चली जाती है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए कटिंग बिल्कुल स्मूथली हो जाती है, कटिंग बिल्कुल प्यार से हो जाती है। कटिंग करने के बाद दोस्तों, इसका जो हल्का फुल्का मोटा मोटा ग्लू जो LCD पर रह जाते हैं, वो आपने रोलर से साफ़ कर लेना है, और उसके बाद आपने जो सफाई करनी है, जो क्लीनिंग करनी है, वो पेट्रोल और जादुई कपड़ा, जो जादुई कपड़ा है दोस्तों वही जूना जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, ये वही जूना है दोस्तों। स्कॉच ब्राइट नहीं है, ये नॉर्मल जो दूसरा जूना होता है वो है। स्कॉच ब्राइट आप यूज़ ना किया करें, एक स्क्रॉच ब्राइट होता है और एक नॉर्मल जूना होता है,
ये वो वाला जूना है। तो देखिए मोटा मोटा ग्लू हमने रोलर से साफ़ किया, उसके बाद आपने जो क्लीनिंग है वो जादुई कपड़े से कर लेनी है। तो जादुई कपड़े से आपकी क्लीनिंग बिल्कुल जल्दी और बड़े आराम से हो जाती है। और पेट्रोल दोस्तों, आपने पेट्रोल अगर यूज़ किया, पेट्रोल से दोस्तों बहुत जल्दी क्लीनिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है पेट्रोल से। जो ग्लू, ये वाली जो ग्लू है, ये पेट्रोल से बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो आपने अगर पेट्रोल यूज़ किया तो आपकी बहुत जल्दी LCD साफ़ हो जाएगी। LCD साफ़ करने के बाद दोस्तों, बिल्कुल क्लीन करने के बाद, जो लास्ट क्लीनिंग है वो एक बार आपने फेलकोन से करने के बाद, उसके बाद इसमें OCA लगानी है। और OCA लगाने के बाद दोस्तों ग्लास इसमें लगा लेना है। और पंचिंग की आपने सेटिंग ज़रूर देख लेनी है। पंचिंग की सेटिंग दोस्तों मेन होती है, पंचिंग की सेटिंग आपने ज़रूर देखनी है। दोस्तों हम किसी भी LED का पत्ता नहीं खोलते, हम पत्ता लगे लगे पंचिंग करते हैं। हमने अभी तक किसी भी LED का पत्ता हमने खोल के पंचिंग नहीं की। तो पत्ता खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिस तरीके से हम पंचिंग करते हैं। आपने अगर हार्ड रबड़ पे पंचिंग की है तो आपको पत्ता खोलना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हम हार्ड रबड़ पे पंचिंग नहीं करते हैं। हमने जो फॉर्म रखी हुई है वो बहुत सॉफ्ट है, तो इसलिए हमने कभी LED का पत्ता नहीं खोला। बगैर पत्ते खोले ही हम पंचिंग करते हैं। तो आप भी इस तरीके से फॉर्म रख सकते हैं, जो मशीन की सेटिंग है वो इस तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस तरीके से आपने फॉर्म के ऊपर अगर पंचिंग की, ना तो आपके बबल आएंगे, ज़ीरो बबल आते हैं, और ना ही कभी आपकी कोई भी डिस्प्ले टूटेगी। इस तरीके से आपने अगर पंचिंग की है तो पंचिंग आप ज़रूर देख लें। पंचिंग ये बहुत ही सेफ पंचिंग है। तो देखिए ग्लास भी हमने, देखिए किस तरीके से ग्लास हम लगाते हैं। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखा दोस्तों, बहुत ही आपका अच्छा काम होता है। आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है बस। देखिए अब देखिए पंचिंग आप देख लीजिए किस तरीके की पंचिंग हमने रखी हुई है। दोस्तों मैं मोल्ड इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप कोई सी भी मशीन में पंचिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है YMJ में ही पंचिंग करें। दोस्तों इसलिए मैंने ये नॉर्मल आपको फॉर्म दिखाई है, इसके ऊपर आपने बड़े आराम से, देखिए बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो बबल आते हैं। देख लीजिए ये बबल आपके एक मिनट में चले जाते हैं। एक मिनट आपने बबल में रखा दोस्तों, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल चमक जाती है डिस्प्ले। तो अब बबल से डिस्प्ले को निकाल लेते हैं, आपको डिस्प्ले दिखाते हैं, फिनिशिंग आप देख लेना। दोस्तों पैक कर लेते हैं फ़ोन को, और पैक करने के बाद आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर लेना, और कमेंट में आप बता देना कि कैसी फिनिशिंग लगी आपको। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद अगर आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने वाले जो हैं, 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों वीडियो डेली देखते हैं वो, जैसा कि हम देख पाते हैं वीडियो वो डेली देखते हैं, लेकिन 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों वो मुझे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर डेली वीडियो देखते हैं और डेली आप देख भी रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल आपको डिस्प्ले चेक कराते हैं, डिस्प्ले की फिनिशिंग आप ज़रूर देख लें। डिस्प्ले की फिनिशिंग दोस्तों बिल्कुल आपको एक नंबर की फिनिशिंग मिलेगी।
देखिए डिस्प्ले चेक कर लीजिए, डिस्प्ले प्रॉपर परफेक्ट डिस्प्ले होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मॉडल का ग्लास चेंज करने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही दोस्तों आपने सपोर्ट किया तो बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।